अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट अना वसीम जी। तो व्यूअर्स आज मैं मौजूद हूं बहरिया पैराडाइज प्रीसेंट 51। आज मैं इसका आपको स्ट्रीट टूर देने जा रहा हूं उन स्ट्रीट्स का जिनमें जो है अभी फिनिशिंग का काम हो रहा था और जिन लोगों ने विलास जो हैं वो परचेज़ किए हुए हैं और वो इसका करंट स्टेटस जानना चाह रहे हैं। तो अभी ये मैं इस टाइम स्ट्रीट 22 में मौजूद हूँ, आपको कैमरे की आँख से दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 100% रेडी हो चुके हैं। ये वाले विलास फिनिशिंग का काम इन पे कंप्लीट है और जो लोग इधर जिनके इधर ये एक फैमिली भी लेफ्ट साइड पे इधर जो है वो ये घर में फैमिली मूव हो चुकी है। अगर हम बात करें इजाज भाई से हम पूछते हैं कि ये जो विलास हैं हमें राइट साइड पे जो है 27-8 जो है नंबर दिखाई दे रहा है, इजाज भाई जी इसमें ये जो स्ट्रीट 22 है जी जी इसमें अगर हम बात करें तो कितने नंबर से कितने नंबर तक विलास इधर इस लेन में मौजूद है? देखें यहाँ पे स्ट्रीट 22 जो है इसमें अगर हम में अगर हम बात करें रोड 9 वाली साइड से तो एक नंबर से लेके और 42 तक की जो सीरियल है और इसमें टोटल कह सकते हैं कि 42 विलास आते हैं और जो हम जिस साइड पे हम जा रहे हैं यहाँ से विला नंबर 1 है और 22 तक वेस्ट ओपन बनते हैं, बाकी दूसरे जो हैं वो 22 से लेके और 42 तक ईस्ट ओपन बनते हैं, मतलब हमारे राइट हैंड वाले 22 से 42 तक के बनते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी हम इंटर होने लगे हैं इधर से, ये एग्जिट है स्ट्रीट 22 का और अभी हम जाएंगे विजिट आपको करवाएंगे स्ट्रीट 23। इसका हम देख लेते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, क्या स्टेटस है इन विलास का। इन पे नंबरिंग तो इन्होंने नहीं अभी आई थिंक, इजाज भाई इसमें भी बता दें कि किस नंबर से किस नंबर तक विलास। देखिए स्ट्रीट 22 की नस्बत अगर हम देखा जाए तो स्ट्रीट 23 जो है वो कह सकते हैं कि मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर में ही सारे विलास नज़र आ रहे हैं हमें। अभी इसमें काफ़ी काम रह रहा है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें, बल्कि कह सकते हैं कि अभी इसमें टाइम लग जाएगा। बाकी इसकी भी सेम सीरियल वही है, बाकी स्ट्रीट का फ़र्क है, इसमें भी 42 विलास हैं और बाकी यह है कि एक नंबर से हमारे यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड पे तो एक नंबर से लेके और 22 नंबर तक की राइट हैंड पे हैं और 22 से 42 तक की हमारी लेफ्ट हैंड पे आते हैं विलास। अच्छा जानते हैं इन्होंने नंबरिंग हर स्ट्रीट की सेम दी है कि 1 से स्टार्ट हो के 42? देखें पैराडाइज और स्पेशली पूरे बहरिया में पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी इसमें इसने स्ट्रीट के नंबर दिए हैं, ज़्यादा मायनी जो है वो स्ट्रीट के नंबर रखते हैं, बाकी नंबरिंग जो है वो सेम हो जाती है। जी ठीक है जान जी। अच्छा हम साथ साथ जनरल डिस्कशन भी करते चलते हैं कि ये अगर हम इसके मेन गेट से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हार्डली 8-9 किलोमीटर की ड्राइव पे ये बहरिया पैराडाइज डिसन 51 जो है वो लोकेटेड है। बिल्कुल। और हम इसकी साथ साथ सराउंडिंग की बात करें तो बहरिया पैराडाइज की जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल फेसिंग पे प्रीसेंट 16 आ जाता है और आपको उसकी फेसिंग में ग्रैंड मॉस्क भी कह सकते हैं कि जो जी बिल्कुल ग्रैंड जामे मस्जिद आता है, प्रीसेंट 48 आता है और साथ ही इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्रीसेंट 50 आता है। जी इसकी अपोजिट देखें तो प्रीसेंट 50 जो कि, और अभी इस टाइम इंटर हो रहे हैं हम स्ट्रीट 24 पे और ये कदरे बेहतर हैं अगर हम कंपेयर करें स्ट्रीट 23 के साथ, तो वो तो बिल्कुल ही ग्रे फॉर्म में थे लेकिन ये उससे इस पर क्योंकि काम हो रहा है उधर इतना मतलब डेवलपमेंट नहीं थी लेकिन इधर जो है इन्होंने ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे के गेट्स वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं और इधर ये काम जो है वो हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल वसीम भाई यहाँ पे कुछ ही है कि रेनोवेशन जैसा कि वो इन्होंने स्टार्ट किया है, टाइल पत्थर वगैरह का जो काम होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और बनिस्बत 23 के तो इसमें कह सकते हो कि जैसा कि मेन डोर जो है वो भी लगा दिए गए हैं। अच्छा इसमें कुछ एरिया है जो कि आउट ऑफ बाउंड्री आता है या कह सकते हैं कि वो महकमा औकाफ की कुछ ज़मीन है तो वो बहरिया ने उसको एज एक पार्क के तौर पे वहाँ पे बना दिया, जो कि कैमरा मैन मेरा दिखा दे आपको, तो ये छोटा सा एक इन्होंने यहाँ पे पार्क बना दिया
चूँकि ये महकमा औक़ाफ की जगह है, तो कल को अगर गवर्नमेंट आपका क्लेम करती है तो बहरिया ने इसलिए यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की तो उसको खाली छोड़ दिया है। कल को अगर गवर्नमेंट इसको वापस लेती है तो वो ले सकती है इसको। लेकिन बहरिया की ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ों को छोड़ती भी है तो उसको एक खूबसूरत बना के, बिल्कुल उसको प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी बनी रहे। अभी देखें बिलाल, हालांकि इधर जो है वो 100% रेडी नहीं हो, फिनिशिंग का काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी वो जो स्पेस है उसको मतलब लश ग्रीन किया। जी बिल्कुल, उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं कि उसको लश ग्रीन एरिया कर दिया या उसको एक पार्क की सूरत दे दी। तो अभी हम जैसा कि स्ट्रीट 25 में इंटर होंगे तो इसका भी आपको स्टेटस बताते हैं। जी जावेद भाई, ये मतलब ये जो स्ट्रीट 25 है ये कह सकते हैं कि ये रेडी है, तो थोड़ा बहुत काम जो है ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो सेवरेज का या पाइपलाइन को गैस का मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो रही है। नहीं वसीम भाई, मेरे ख्याल में क्योंकि देखें ये एक फैमिली भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है और जिस स्ट्रीट में अगर कोई सीवरेज वगैरह का या कोई ऐसे पाइपलाइन का कोई काम अगर ऐसा रहता होता तो यहाँ पे ये फैमिली को अलाउ ही नहीं करते। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुकम्मल सीवरेज वगैरह या पाइपलाइन वगैरह ये सारी कंप्लीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई हुई है तो वो यहाँ पे फौरन अपना जो मूवमेंट शुरू कर सकते हैं या यहाँ पे आके अपनी रिहाइश कर सकते हैं। वो आप ये जो काम हो रहा है, सारी बात है कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है पोजेशन के लिए उन विदार पे जो है ये सारी चीज़ें मतलब उनको वाटर की सप्लाई और गैस लाइन और इस तरह की वो चीज़ें हो रही हैं जिन लोगों ने कर, सारी बात है बिल्कुल। पोजेशन के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद पोजेशन मिलता है जब आप अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, यहाँ पर ये सारा कम्प्लीट हो चुका है। जी अब हम इसके रेट्स की अगर बात करें तो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ की ब्रैकेट में आई थिंक विलास जो हैं वो मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, यही प्राइस ब्रैकेट मार्केट में अभी देखने को मिल रही है। और लेकिन ये है कि ये जैसा मतलब पैराडाइज विला मतलब जिस तरह उन्होंने बनाए हैं ये बहुत कम मार्केट में जो है वो चीज़ें रीसेल पे आ रही हैं, बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं मिलती। जी। और साथ साथ हम एक चीज़ जो मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करनी है, इसमें अकोमोडेशन जो है इसके ग्राउंड में 2 बेड अकोमोडेट, एक मास्टर बेड है, एक जो नॉर्मल जनरल बेडरूम होता है वो है, इसी तरह एक डाइन डाइनिंग है, एक टीवी लॉन्च दिया हुआ है ग्राउंड पे, जी। दो किचन है, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का है। जो 2 बेड हैं उनके साथ अटैच वॉशरूम है और एक सेपरेट वॉशरूम जो स्टेयर्स के नीचे दिया। जी जी बिल्कुल। और अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो उधर फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेड अकोमोडेशन है विद अटैच वॉशरूम, एक स्टोर दिया है एक रीजनेबल साइज़ का, इसी तरह ऊपर भी एक किचन दिया गया है। जी किचन भी है, ओपन किचन है और प्लस जो है वो टीवी लॉन्च है। जी और जो है टेरेस भी है, एक फ्रंट पे टेरेस है और एक साइड पे टेरेस है, मतलब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है बहरिया ने इस चीज़ को अगर हम कहें डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा सा इसको रेनोवेट भी किया है और बहुत एक स्पेस बहुत मतलब इन्होंने वो उसको यूटिलाइज़ किया है उस चीज़ को। जी शुक्रिया जाल भाई, आपने हमारा साथ दिया। जी तो व्यूअर ये थी हमारी वीडियो, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और एंड पे सजेशन ज़रूर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, मुझे और एजाज़ भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।